राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन के दौरे पर बीते दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची, जहां वो अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इससे पहले वो ग्वालियर राजघराने के शाही महल सिंधिया पैलेस में भी गईं। इस दौरान उनके स्वागत में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सिंधिया पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। ग्वालियर के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे के साथ उनकी अगवानी की। महल के मुख्य द्वार के पास नृत्यांगनाओं और लोक कलाकारों के दल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने सिंधिया के आलिशान महल को पूरा घूमकर देखा। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने उन्हें अपने साथ महल घुमाया। द्रौपदी मुर्मू महल के अंदर बने म्यूजियम में भी गई। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सिंधिया पैलेस में राज परिवार के साथ लंच भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए खास शाही लंच तैयार किया गया था। खास बात यह है कि इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद अपने हाथों से राष्ट्रपति को खाना परोसा। लंच में राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सांसद विवेक शेजवलकर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर आदि भी शामिल रहे। बता दें, द्रौपदी मुर्मू सिंधिया महल आने वाली देश की सातवीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर ज्ञानी जयल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल इस महल में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।